दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबाइए इस घंटे को हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और आप सब देख रहे हैं टेक्नोकैट ब्रदर चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 26 फरवरी को लॉन्च होगा दुनिया का पहला 4G स्मार्टफोन। तो दोस्तों आज के समय में हर दिन एक से बढ़कर एक शानदार स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। वही 26 फरवरी को वासिलोना में शुरू हो रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दुनिया की जानी मानी मोबाइल निर्माता कंपनी ZTE एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इस फोन की खासियत की बात करें तो यह फोन गीगाबाइट LTE स्मार्टफोन होगा जो 360 डिग्री से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इतना ही नहीं, यह फोन इंस्टेंट क्लाउड स्टोरेज को भी सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च होगा ये शानदार स्मार्टफोन। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं। जैसा कि आपको पता है गीगाबाइट LTE डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो 1 GBPS की स्पीड को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ZTE का यह फ़ोन 5G टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया गया है। कुछ समय पहले क्वालकॉम ने 5G कंपटेबल मॉडेम को अनविल्ड किया था। यह मॉडेम 5 GBPS की स्पीड को सपोर्ट करता था। यह मॉडेम अगले साल से उपलब्ध हो जाएगा। 5G वाला यह फ़ोन 2020 तक लोगों की पहुंच में होगा। फ़ोन में स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 835 835 प्रोसेसर होगा जिसमें X16 LTE मॉडेम होगा। कंपनी का कहना है कि वह 5G के विकास, नोटिफिकेशन के एडवांसमेंट और सभी तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए काम करेगी। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली ZTE कंपनी, इस फोन की पूरी जानकारी हमें मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ही मिलेगी। इस फोन के साथ टेक्नोलॉजी में एक नए युग की शुरुआत होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों वो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना जिससे मैं कोई भी नई इन्फॉर्मेशन डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।